नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैदराबाद से नागेश गौड़ जी उपस्थित हैं, तो आइए हम नागेश जी से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। नागेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। डियर गोविंद जी, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। माई फादर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं बचपन से पेंटिंग इंटरेस्ट था। मेरे ख्याल से सिक्स्थ क्लास से मैं ड्राइंग करना प्रैक्टिस कर रहा था। मेरा सब्जेक्ट के पढ़ाई के साथ यही ड्राइंग करते रहता था मैंने। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय 10th क्लास मैं फाइन आर्ट्स करना चाहता था, लेकिन डैडी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत प्रेशर था, इसीलिए उन्होंने मैं डैडी को समझाया, मेरा फादर को समझाया था, डैडी मैं फाइन आर्ट्स करूँगा, बट ही डिड नॉट एग्री। फिर बाद में मैं उसको समझा के फाइन आर्ट्स में ज्वाइन हो गया। जी नागेश जी, मुझे लगता है सभी कलाकारों का इस फील्ड में आने का एक डेस्टिनी जो ऊपर से तय होके आता है वो तो आता ही है, और दूसरी बात ये कि आपके कलात्मक जीवन में किन टीचर्स का, किन लोगों का योगदान रहा, आपने कहाँ से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, इस बारे में भी आप ज़रा हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। बिफोर जॉइनिंग फाइन आर्ट्स मैं हमारा गुरु डीजी डोंगरे सर के पास मैं क्लासेस ड्राइंग क्लासेस सीखने के लिए जाता था। मैंने एक 10 साल नियरली 10 ईयर्स वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करा। मेरा गुरु जी डीजी डोंगरे सर ने, अंबादास मोहरकर सर ने और श्री गौरीशंकर सर, ये तीन गुरु है मेरे लिए बिफोर जॉइनिंग द फाइन आर्ट्स कॉलेज। फिर बाद में फाइन आर्ट्स ज्वाइन होने के बाद JNTU कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद में मेरा फाइन आर्ट्स कंप्लीट हुआ, BFA। उससे पहले मेरे को बॉम्बे में JJ स्कूल ऑफ आर्ट में मेरे को फाइन आर्ट्स एंट्रेंस दिए थे, वहाँ पे आई गॉट फर्स्ट रैंक, बट वहाँ पे हॉस्टल नहीं मिला, इसीलिए फिर हैदराबाद में आके फिर JNTU में मैं ज्वाइन हो गया। फिर मॉर्निंग कॉलेज होने के बाद मॉर्निंग 10 to 3 o'clock कॉलेज में पढ़ाई होने के बाद फिर मेरे सर के पास आके वहाँ पे इवनिंग क्लासेस अटेंड करते थे। वैसा मेरा बचपना और कॉलेज टाइम वैसा शुरू हुआ। वाह, बहुत ही लेजेंड लोगों के साथ आपका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। तो इसी के साथ एक सवाल और है कि आपके काम में अधिकतर माइथोलॉजिकल स्टोरीज व जिनके नरेशंस दिखते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, कहाँ कब से शुरू हुआ ये? एक्चुअली माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट कैसा शुरू हुआ बोले तो, व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट आई यूज्ड टू वॉच रामानंद सागर जी का रामायण एंड महाभारत, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ मेरे ऊपर। एक्चुअली वो टाइम पे 1980s एंड 90, वो टाइम पे दूरदर्शन में बहुत फेमस सीरियल था रामानंद सागर जी का रामायण, वो मैं पूरा सीरीज देखा, वो रामायण एंड महाभारत का वो इम्पैक्ट ज़्यादा था। और कैरेक्टर्स इवन दो बहुत वंडरफुल कैरेक्टर्स है उसमें, वो कैरेक्टर्स का जो इम्पैक्ट बहुत है मेरे ऊपर, इसीलिए मैं नरेशन मेरे पेंटिंग्स में वो कैरेक्टर्स के हिसाब से मैं पेंटिंग बनाता हूँ, वही मेरा प्रोफेशन हो गया। नागेश जी, आपका पेंटिंग तो बहुत प्रभावशाली है ही, साथ में आपने मूर्ति शिल्प में भी बहुत सारे काम किए हैं, तो इन स्कल्पचर के पीछे का क्या रहस्य है? मैं पेंटिंग के साथ स्कल्पचर भी बनाता हूँ। एक्चुअली
पेंटिंग में या स्कल्पचर बनाने में इजी नहीं होता, कुछ भी इजी नहीं है एक्चुअली, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग मैं जॉइंट यू में बहुत स्केचिंग करता था, डोंगरे सर के पास, माहौरकर सर के पास स्केचिंग बहुत प्रैक्टिस करता था। सर ने हमारे को बोल रहा था कि स्केचिंग मैक्सिमम स्केचिंग करना है, डेली 100 स्केचिंग करना है, वैसा हम बोलता था डोंगरे सर ने, वैसा प्रैक्टिस करें हम। उसी हिसाब से मेरे को स्कल्पचर बनाने में भी बहुत इंटरेस्ट था। JNTU क्लासेस में मेरा सब्जेक्ट पेंटिंग एंड अप्लाइड आर्ट्स पेंटिंग है, लेकिन मैं स्कल्पचर भी बना रहा था, मैं स्कल्पचर क्लासेस भी था। प्रिपरेटरी कोर्स में 2 इयर्स वो फाउंडेशन में मैं स्कल्पचर बहुत ज़्यादा बनाया, इसीलिए मेरे को पेंटिंग एंड स्कल्पचर बहुत इंटरेस्ट है, वो उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा। सो अभी जी नागेश जी, एक कलाकार होने के साथ साथ आप समाज में हो रहे जो भी गतिविधियों पर आपकी नज़र रहती है, तो इसी के साथ आपने एक 2020 में एक एग्जीबिशन क्यूरेट किया था जिसका नाम था गजा, उसके विषय में भी आप कुछ बताइए। 2020 में मैं एक शो क्यूरेट करा था, उसका नाम है गजा, एलिफेंट के ऊपर मैं शो क्यूरेट करा। सो हैदराबाद आई सेलेक्टेड 25 आर्टिस्ट फ्रॉम हैदराबाद, वो लोगों को मैं एक हाथी बना के स्कल्पचर फाइबर ग्लास में बना के आई डिस्ट्रीब्यूटेड टू 25 आर्टिस्ट। वो आर्टिस्ट लोग वो उसके ऊपर पेंटिंग बनाया, वो शो मैं 2020 में हैदराबाद में मैं शो किया। शो करने के बाद वी अडेप्टेड वन एलिफेंट, उसका नाम है सीता, फीमेल एलिफेंट था वो, हमारा नेहरू जूलॉजिकल पार्क में हम सब लोग 25 आर्टिस्ट सब लोग मिल के 1 ईयर के लिए अडाप्ट करे। सो इट वॉज ए वंडरफुल फीलिंग एंड वंडरफुल इनिशिएशन एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट इनिशिएशन। जी नागेश जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है जो आप लोगों ने लिया, और ख़ासकर आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और दूसरी बात ये कि लॉकडाउन आपके लिए कैसा रहा, आपने लॉकडाउन को कैसे यूटिलाइज़ किया? लॉकडाउन पैंडेमिक में हम घर में बैठ के पेंटिंग बनाए और स्केचिंग भी बना रहे थे। सो जनरली आर्टिस्ट हमेशा अकेला बैठ के उन्हों पेंटिंग करता है, सो ये उतना इफेक्ट नहीं गिरा आर्टिस्टों के ऊपर, लेकिन वो सिचुएशन बहुत हॉरिबल सिचुएशन था पैंडमिक के, इसीलिए मन स्ट्रांग रहना चाहिए, वी हैव टू वेरी स्ट्रांग रिगार्डिंग एनी डिफ़िकल्टीज। ये डिफ़िकल्टी टाइम में आर्टिस्ट कभी भी उन्होंने पेंटिंग करना है और अच्छी सोच से उसका वर्क करे तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए ये पैंडमिक टाइम पे एक्चुअली आई गॉट वन आइडिया, इसमें कोरोना वॉरियर्स बोले तो डॉक्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस सब लोग अच्छे काम करे, इसीलिए मेरे के आइडिया आया। सब आर्टिस्ट ने घर में लॉकडाउन में काम कर रहे, इसीलिए वो लोगों के ऊपर एक वीडियो निकाले तो अच्छा रहेगा, उसका नाम हम आर्टिस्ट ग्रैटिट्यूड टू कोरोना वॉरियर्स बोल के एक टाइटल लगा के इमिडिएटली एक वीडियो निकाले आर्टिस्टों के ऊपर। मैं वो ये वीडियो भी आपको मैं भेज रहा हूँ, वो एक बार देख लीजिए। नागेश जी, नॉर्मल समय में आप कितना समय स्पेंड करते हैं अपने स्टूडियो में? जनरली आई यूज टू स्पेंड 8 to 10 आवर्स इन माई स्टूडियो, एंड हॉलीडे में भी आई यूज टू स्पेंड
3 to 4 आवर्स फॉर माई ड्राइंग एंड पेंटिंग वर्क्स। जी, नए स्टूडेंट्स व आर्टिस्टों के लिए आपका क्या संदेश है? आर्ट स्टूडेंट के लिए, अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए मेरा सूचना है कि आप ज़्यादा सा ज़्यादा स्केचिंग करना चाहिए। स्केचिंग जितना अच्छा करे तो उतना अच्छा है। आपके साथ हमेशा स्केचिंग बुक रखना चाहिए, ये ध्यान में रख लीजिए। एंड माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल। जी नागेश जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने सभी प्रश्नों के बहुत अच्छे से जवाब दिया, और इसी के साथ हम आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि लाइव के जरिए आपका स्टूडियो विज़िट करें और सभी दर्शकों को भी विज़िट करवाएं। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली गोविंद जी का चैनल को लाइक कर दीजिए, सबसे सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।